इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी या ऐसा पेपर आया तो कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, तो वो मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूँ। इसके तुरंत नए बच्चे ऐसा पूछना चाहेंगे, क्या सर मेरे को मॉक टेस्ट देना चाहिए? तो मैं उनको सलाह दे देता हूँ कि भाई अब इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी तैयारी करके तब मॉक शुरू करो, देते रहो साथ साथ, पढ़ाई भी चलती रहेगी, संडे देते रहो यार, आपको तुरंत अपने ये पता लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस मेरे को पढ़ने चाहिए और कैसे कैसे पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो 72,100 बच्चों ने टेस्ट लिया है और आज जो ऊपर के 100 बच्चे हैं वो 235 से ज्यादा मार्क्स कर रहे हैं, ऊपर के 100, यानी टोटल 72,100 में से ये जो 100 बच्चे हैं ये 235 से ज्यादा स्कोर करने वाले हैं, यानी पेपर बहुत ज्यादा स्कोर करने वाला तो नहीं आया कि आप 290, 280 या 260 कर लो, पर 235 से ऊपर 100 बच्चे हैं। पर नीचे अब यहां से आपको पता चलेगा कि भाई साहब जो 500 बच्चे हैं ना वो 222.5 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, 222.5 से 500 बच्चे, और मैं 1000 बच्चों को लूं तो वो 216.5 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, जबकि 2000 बच्चे 209 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं और 5000 बच्चे 197 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, 10000 स्टूडेंट्स 183.5 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। अब आप ये पूछना चाहोगे मुझसे कि भाई साहब इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी या ऐसा पेपर आया तो कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, तो वो मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूं। इसके तुरंत में तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि 5000 में अपने आप को बनाए रखो, 5000 रैंक में, जैसे 72,000 में दिया ना, तो 72,000 में से करीब करीब 70,000 में से 5000 के अंदर आपकी रैंक होगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। अब ये टेस्ट दे ले करीब 1,00,000 बच्चा, तो मुझे आपकी चाहिए कि आपके 7,000 के अंदर रैंक हो, ठीक है, और 50,000 अगर बच्चे 50,000 ही अटेम्प्ट करें तो मुझे फिर चाहिए आपकी जो है 3,000 के अंदर रैंक,